हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्यूचर आईएएस यूट्यूब चैनल, जहां पर हम डिस्कस करते हैं डेली करंट अफेयर द हिंदू न्यूज़पेपर से, पीआईबी से और इनसाइड आईएएस वेबसाइट से। और यह लेक्चर हिंदी मीडियम स्टूडेंटों के लिए हिंदी में रिकॉर्ड किया जाता है। आज है 4 अक्टूबर 2020। तो चलिए देखते हैं आज की करंट अफेयर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम नारायण पटेल है, सिविल इंजीनियर हूँ मैं, यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ, टीचिंग एक्सपीरियंस 3 साल का है, यूट्यूबर एंड मेंटोर। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज की जो पहली करंट अफेयर है, बात की जा रही है गावी। इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, गावी, GAVI, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 2020 में की गई थी। अब इसका उद्देश्य जान लेते हैं। तो इसका उद्देश्य है विश्व के सबसे गरीब देशों में रह रहे बच्चों के लिए नए टीकों की पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों को साथ लाना है। तो देखिए, बहुत सारे गरीब देश हैं, वहां पर रह रहे जो बच्चे हैं उनको सही मात्रा में सही दवाई नहीं मिल पाती है, क्योंकि देश गरीब रहते हैं, वो अपनी दवाई खुद विकसित नहीं कर पाते हैं, दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है। तो ऐसी समस्या से निजात पाने के लिए यह संस्था बनाई गई थी, इसकी स्थापना की गई थी, ताकि यह जो निजी क्षेत्र है, जो अमीर देश हैं, जैसे आप देख सकते हैं निजी क्षेत्रों में WHO होगा, यूनिसेफ होगा, विश्व बैंक, बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, जो ये इस तरह की जो संस्थाएं हैं, यहाँ से पैसे इकट्ठा करते हैं, दवाइयां इकट्ठा करते हैं और गरीब देशों में रह रहे बच्चों के लिए यह उपलब्ध कराते हैं। अभी क्या हुआ है, गावी द्वारा हाल ही में पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII ने COVID-19 वैक्सीन के उत्पादन हेतु फंडिंग प्रदान की गई है, तो इसलिए यह न्यूज में आया है। तो थोड़ा याद रखें, देखिए कोरोना वायरस चल रहा है तो इसके लिए वैक्सीन वगैरह बनाई जा रही है, तो एक महामारी है, इसलिए इस तरह की जो संस्थाओं के नाम आते हैं न्यूज में वह इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगला जो आर्टिकल है उसकी बात करते हैं। तो बात की जा रही है इंजीनियरिंग मार्वल, यहाँ पर बात की जा रही है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन द वर्ल्ड, सबसे लंबी जो टनल है उसकी बात की जा रही है। यहाँ पर नाम है इसका अटल सुरंग या अटल टनल, यहाँ पर कह सकते हैं। तो अभी इसका हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 अक्टूबर 2020 को इसका उद्घाटन किया गया है, जो कि रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। अब इसके बारे में थोड़ा यहाँ पर मैप में जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यह रोहतांग टनल है, यहाँ पर यह टनल बनाई गई है। यह नॉर्थ पोर्टल हो गया इसका, यह साउथ पोर्टल हो गया। अभी क्या होता था कि इस तरफ से अगर यहाँ पर जाना रहता था तो इस तरह से यहाँ पर घूम के जाना पड़ता था, तो 40 किलोमीटर का लंबा रास्ता हो जाता था। अब यह टनल यहाँ से बन गई है, तब यहाँ से 40 किलोमीटर का रास्ता कम हो जाएगा। इसके फैक्ट भी जानेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर फैक्ट देख सकते हैं, इसकी डिस्टेंस है जो कम हो गई है, 40 किलोमीटर कम हो गई है, 5 घंटे का टाइम बच गया यहाँ पर। और यह कितनी ऊंचाई पर बना है, 3000 मीटर अबव मीन सी लेवल, इतनी ऊंचाई पर यह बनाया गया है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है टनल की, 9.02 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसके बाद इसका शेप कैसा है, यह आकार कैसा है, घोड़े की नाल के जैसा। इसके अलावा देख सकते हैं कर्विंग एवरी 2 किलोमीटर है, टर्निंग कैवर्न, एयर क्वालिटी एवरी 1 किलोमीटर। तो यह इसके बारे में थोड़े से पॉइंट है। अब यहाँ पर मेन जो पॉइंट आते हैं वह देख सकते हैं कि इसकी शुरुआत किसने की थी, इसकी नींव किसने रखी थी। तो 2002 में हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, इनके द्वारा इसका फाउंडेशन यहाँ पर रखा गया था। इसी के साथ आप देख सकते हैं फायर हाइड्रेंट है प्रत्येक 60 मीटर पे, इमरजेंसी एग्जिट है प्रत्येक 500 मीटर पे, इसके अलावा हर 250 मीटर पे एक CCTV कैमरा लगा है, यदि एक्सीडेंट होता है तो इससे यहाँ पर राहत पहुंचाई जा सके। अब इसके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन पॉइंट है वह देख लेते हैं। देखिए, यह समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर निर्मित है, दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है यह, इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर लंबी सुरंग है। यह रोहतांग ला के पश्चिम में एक पहाड़ को काटकर निर्मित की गई है, जिससे सोलांग घाटी एवं सिसु के बीच की दूरी लगभग 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। सिसु एक शहर है, सोलांग घाटी है, तो इनके बीच की दूरी यहाँ पर कम हो जाएगी। इसको तय करने में 15 मिनट का टाइम लगेगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर यह 3200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली परियोजना है, इसको बनने में लगभग 1 दशक का समय लग चुका है। 2002 में इसकी स्थापना हुई थी, अब 2020 में हम यहाँ पर खड़े हैं, तो देख सकते हैं कि 18 साल का टाइम यहाँ पर लग चुका है आज के समय, क्योंकि देखिए सरकारें आती जाती रहीं, इसलिए यह टाइम लग गया है।
लेकिन अब अच्छी बात यह है कि यह टनल बन चुकी है, यहाँ पर लोगों को जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप एरिया देख सकते हैं यह हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पर लद्दाख को जोड़ रही है हिमाचल प्रदेश से, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है। अभी यहाँ पर लद्दाख में इंडिया और चाइना की स्टैंड ऑफ हो रखा है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा नदियों के नाम आप देख सकते हैं कौन कौन सी नदी है, यहाँ पर चंदा रिवर हो गया, यहाँ पर ब्यास हो गई, तो इस तरह की नदियों के नाम भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा यह रोहतांग पास देख सकते हैं, इस पास की बात होती है, तो इस तरह के ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले वाले आर्टिकल की तरफ। अगला वाला आर्टिकल यहाँ पर वोगोसार, क्या है यह वोगोसार? तो अभी 3 अक्टूबर 2020 यानी कि कल को ही भारतीय नौसेना और बांग्लादेशी नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक, ठीक है, नौसैनिक की बात की जा रही है, अभ्यास वोगोसार वोगा सागर में शुरू हो चुका है। इसका नाम है वोगा सागर। ये दूसरा संस्करण, कौन सा संस्करण है, यह दूसरा संस्करण है। इसको आयोजन बंगाल की खाड़ी में शुरू किया गया है। याद रखें कहां पर हो रहा है, किस किसके बीच में हो रहा है, इंडिया और बांग्लादेश की नौसेना के बीच में। दूसरा संस्करण है, बंगाल की खाड़ी में चल रहा है। इसका नाम क्या है, वोगो सागर। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है व्यापक समुद्री अभ्यास एवं संचालन के माध्यम से अंतर संचालन एवं संयुक्त परिचालन कौशल विकसित करना। तो देखिए कि आज के समय में समुद्र में लुटेरे रहते हैं, लड़ाइयां वगैरह चलती रहती हैं, बहुत सारी गतिविधियां होती रहती हैं समुद्र में। समुद्र एक काफी इंपॉर्टेंट क्षेत्र हो जाता है, क्योंकि कभी भी युद्ध वगैरह होता है तो समुद्र का काफी इस्तेमाल होता है। तो अगर यहाँ पर लुटेरे हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है, कोई भी ऐसी गतिविधि हो रही है जो कि सही नहीं है, तो उसको रोकने के लिए दो देशों की नौसेनाओं के बीच में संतुलन बनाना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इस तरह के संस्करण प्रस्तुत किए जाते हैं। वोगो सागर नौसैनिक अभ्यास का पहला संस्करण वर्ष 2019 में आयोजित किया गया था। पहला संस्करण 2019 में, दूसरा संस्करण 2020 में आयोजित किया गया है। वोगो सागर नौसैनिक अभ्यास के इस सत्र में दोनों देशों की नौसेनाओं के पोत सत्ता है युद्ध अभ्यास, नाविक कला विकास और हेलीकॉप्टर संचालन में भाग लेंगे। सतह पर भी देखा जाएगा, समुद्र में भी हुआगा और अभ्यास किया जाएगा। इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर के द्वारा भी यहाँ पर अभ्यास संचालन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वोगो सागर नौसैनिक अभ्यास का यह द्वितीय संस्करण बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती मुजीब बरसो के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर यह बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान इनकी 100वीं जयंती पर यह आयोजित किया जा रहा है। इसी के साथ साथ एक और यहाँ पर प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, क्या है वह, भारत बांग्लादेश संयुक्त गश्ती, ठीक है, कॉरपोरेट इंडिया बांग्लादेश कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉरपेट, इसका भी यहाँ पर आयोजन किया जाना है। कब से, 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर यानी कि आज और कल इसका आयोजन किया जाएगा बंगाल की खाड़ी में ही। इसमें भी भारत की नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना संयुक्त गश्ती कॉरपेट के तीसरे संस्करण, इसका कौन सा संस्करण है, तीसरे संस्करण में हिस्सा लेंगे। दोनों देशों की नौसैनिक इकाइयां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन IMBL के अनुरूप संयुक्त रूप से गश्त करेंगे। जो रूल है उसके अनुसार यहाँ पर गश्त की जाएगी। संयुक्त गश्ती करने से, अब देखिए यह इस तरह की जो प्रैक्टिस होती है उससे क्या फायदा होगा, तो दोनों देशों की जो नौसेना है इनके बीच में आपसी समझ बेहतर हुई है। पहले दो संस्करण हो चुके हैं तो आपसी समझ भी इसमें बेहतर हुई है। साथ ही साथ गैर कानूनी गतिविधियों के संचालन को रोकने के उपायों को लागू करने में तत्परता दिखाई है। जैसे कि चोरी वगैरह हो जाते हैं, कोई भी यहाँ पर टैंकर वगैरह आते रहते हैं जहाजों पर, तो उनको लूट लिया जाता है समुद्री लुटेरों के द्वारा। तो इस तरह की जो गैरकानूनी गतिविधियां हैं इनको रोकने में भी यहाँ पर मदद और सहायता मिली है। यह एक बहुराष्ट्रीय संधि के बजाय राजनयिक महत्वाकांक्षाओं की ओर से भारतीय नौसेनाओं की एक सामरिक प्रक्रिया है। इसी के अलावा अब तक संयुक्त गश्ती अभ्यास को बांग्लादेश, इंडोनेशिया और थाईलैंड के साथ आयोजित किया जा चुका है। तो तीन देशों के साथ यह इस तरह की गश्ती आयोजित की जा चुकी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, तो बात की जा रही है प्लास्टिक ईटिंग एंजाइम। क्या है यह प्लास्टिक ईटिंग एंजाइम? तो अभी हाल ही में जो वैज्ञानिक है इन्होंने एक नया सुपर एंजाइम बनाया है जो अपने पिछले एंजाइम की तुलना में 6 गुना तेजी से प्लास्टिक को विघटित करता है। तो आपको पता होगा स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है इंडिया में और बाकी सभी देशों की बात की जाए तो प्लास्टिक एक बहुत बड़ा खतरा बन के सामने आ रहा है, क्योंकि जो समुद्री जल जीव है समुद्री जल जीवन है वह भी इसके कारण उथल पुथल मची हुई है वहां पर। इसके अलावा जो हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता है वह भी खत्म हो रही है इसके कारण,
देखिए प्लास्टिक है, प्लास्टिक आसानी से विघटित नहीं होता है, तो इसको विघटित करने के लिए एक नया सुपर एंजाइम बनाया गया है। क्या नाम है इस एंजाइम के? यहाँ पर बात की जा रही है पहले पेट से, बाद में दूसरा कौन सा था, मैट से। तो इन दोनों को जोड़कर एक सुपर एंजाइम यहाँ पर बनाया गया है। तो नाम याद रखें, शोधकर्ताओं की एक टीम ने पहले इस पेट से नामक एक प्लास्टिक विघटित करने का एंजाइम बनाया था, इसको पुनः निर्मित किया गया। अब क्या किया गया है कि पेट से और मैट से दोनों को मिक्स कर दिया गया है और एक सुपर एंजाइम यहाँ पर बनाया गया है। पेट से का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीएथिलीन टेरेथलेट पैट को ब्लॉक्स में विकसित किया जाता है। देखिए अब खुले में भी प्लास्टिक को विकसित नहीं किया जा सकता, इस तरह का जो एंजाइम होते हैं इनको कहां पर एक बॉक्स में विकसित किया जाता है ताकि प्लास्टिक का पुनर्चक्रण करने और प्लास्टिक प्रदूषण एवं ग्रीन हाउस गैस को कम किया जा सके। प्रदूषण होता है तो इसको कम करने के लिए इसको एक ब्लॉक्स में विकसित किया जाता है। पैट सबसे आम थर्मोप्लास्टिक है, पैट की बात की जा रही, ठीक है, जिसका एकल उपयोगी पेयजल बोतलों, कपड़े एवं कालीन बनाने में किया जा सकता है। इसके अलावा इसे विकसित होने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। तो जो प्लास्टिक बोतल वगैरह बनती हैं, कपड़े बनते हैं, इस तरह के जो पैट है इस वाले से, तो यहाँ से यह विकसित नहीं होता है आसानी से, इसको सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं विकसित होने में। तो पैट से बनाया गया है जो इस अवधि को कम कर देगा, छोटा कर देगा। अब कितना टाइम लग रहा है वह यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसको आप थोड़ा और भी पढ़ सकते हैं गहराई में अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो आगे बात की जा रही है यहाँ पर पर्यटन संजीवनी योजना, क्या योजना है यह? तो बात की जा रही है असम में इस योजना को लाया गया है। कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित हुए पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए असम सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है। अब यह योजना क्या है, देखिए आज के समय कोरोना महामारी चल रही है, लॉकडाउन रहा इतने टाइम तक, तो जो पर्यटन है लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते अभी कोरोना के डर से। तो पर्यटन जो उद्योग है यह एक तरीके से बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर प्रभावित हो चुका है, तो सैकड़ों लोगों के, तो यहाँ पर हजार लोगों का रोजगार यहाँ पर चला गया है। तो इसको उद्योग को फिर से जीवित करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए असम सरकार के द्वारा एक शानदार योजना यहाँ पर लाई गई है। इस योजना के तहत पर्यटन उद्योग के इच्छुक उद्यमियों को लगभग 1 लाख से 20 लाख रुपए तक का ऋण राशि प्रदान की जाएगी, तो एक तरीके का लोन टाइप का दिया जाएगा 1 से 20 लाख रुपए तक का। योजना के हिस्से के रूप में लाभार्थियों को कुल 5 वर्ष की अवधि के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा, 5 साल तक के लिए 1 लाख से 20 लाख रुपए तक का यहाँ पर ऋण दिया जाएगा। और शुरुआत के 1 वर्ष में 1 साल तक तो किसी भी प्रकार का ब्याज के भुगतान भी नहीं करना पड़ेगा, कोई ब्याज नहीं यहाँ पर देना पड़ेगा, किसी प्रकार का भुगतान नहीं होगा 1 साल तक। पहले वर्ष का जो ब्याज भुगतान होगा वह सरकार स्वयं सरकार के द्वारा दिया जाएगा। काफी अच्छी स्कीम है, इस तरह की स्कीम लानी चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी उद्योग शुरू करना रहता है तो हो सकता है पहले वर्ष उतना लाभ ना हो सकता है पहले वर्ष घाटा हो जाए, तो ऐसे में जो ब्याज रहता है उसकी किस्तें जमा करना काफी कठिन हो जाता है। तो ऐसे में अगर सरकार पहले वर्ष का ब्याज खुद दे रही है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर लाभ होने की उम्मीद की जा सकती है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पर्यटन सारथी नामक योजना का उद्घाटन भी यहां पर किया है, जो कि असम पर्यटन के बारे में संपूर्ण जानकारी जैसे बुकिंग, टूर पैकेज, होटल आदि की सूचना प्रदान करेगी। तो एक योजना का नाम और भी याद रखें कि पर्यटन संजीवनी योजना के साथ साथ एक है पर्यटन सारथी, यानी कि अगर आप वहां पर घूमने वगैरह जा रहे हैं तो इस योजना के तहत आपको यहां पर सारी जानकारी मिल जाएगी कि होटल बुकिंग का कहाँ पर कौन सी होटल है, बुकिंग कैसे क्या होनी है, टूर पैकेज क्या रहेगा, होटल्स कैसी हैं यहाँ पर, तो सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। तो यह था आज का हमारा डिस्कशन, संडे है, ज़्यादा आर्टिकल्स वगैरह आते नहीं हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है, आगे चाहते हैं कि इस तरह का लेक्चर कंटिन्यू रहे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो कमेंट में वह पूछें भी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको कोई भी लेक्चर वगैरह मिस ना हो। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।